मीटर है, 3696 वर्ग मीटर है, ठीक है। ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके आधार की त्रिज्या जो है 14 मीटर है, आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, ठीक है। तब हमको उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न भी ऐसा ही रहेगा, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग मीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। यहां पर क्या करना है हम लोगों को जो सूत्र है, जो मैं पिछला ईयर में बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि ये हमारा बेलन है और इसका दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो टर्न वाला है इसका कितना दिया है, 3696 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है यहां से यहां तक का, ये होता है त्रिज्या इसका, ये दिया है 14 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना होगा यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई है, तब यहां से हम लोग इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है, 2πRh, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, या तो फिर सूत्र बनाने की विधि बताया था उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, 2 का 2, पाई का मान 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 14 है यहां पर त्रिज्या, और ऊंचाई कितना है ज्ञात करना है एच, और इसका 3696 वर्ग मीटर दिया हुआ है ये। अब इसको क्या करना है, एच को यहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो ये हर में है, इधर आकर के अंश में चला जाएगा, 3696 × 7 भागित 2 × 22 × 14, ठीक है, बराबर एच। यहां से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो यहां पर ये होता कैसे है, 7 × 7, 7 × 2 = 14। अब इसको हम काट सकते हैं, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 1 × 2 = 16। अब इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 1 × 4 / 22 × 2, ठीक है। अब इसको फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 18 = 2, 2 × 4 और 2 × 4 = 8, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 × 11 = 2, 2 × 8 = 1, 12 हो गया, 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4, इसको काट सकते हैं, देखिए 11 × 11 = 44, बचा 2, 22 हो गया, 11 × 2 = 22, एच बराबर आया 42 मीटर, ठीक है, एच बराबर 42 मीटर। तो इस तरह से हम बेलन की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 358 पेज में प्रश्न क्रमांक 3 जो है वह दिया हुआ है, देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो जब भी हम बेलन को पढ़ते हैं तो हम कोशिश करें कि उसका चित्र बना लें, ताकि वो जल्दी से मतलब हमारे समझ में आए। तो यहां पर मैं एक चित्र बना के रखता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आए। ये हो गया बेलन, वक्र पृष्ठ ये वाला जो है कितना है, 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें सब चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका व्यास ज्ञात करने के लिए बोला गया है, देखो यहां से यहां तक व्यास होता है ये, और व्यास को हमको निकालना है। तो यहां पर ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, लगभग आप लोग मिला लेना, कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी व्यास ज्ञात करो। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें वही सूत्र का उपयोग करेंगे अभी जो किए थे। क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh, अभी बताया था, 88 बराबर 2 × 22/7, आर का मान निकालना है हमको, तब जाके व्यास मिलेगा, आर को आर रहने देते हैं, और एच जो है 14 है, 14/1 लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं जिससे हमको किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होगा, ध्यान से देखते रहिए, 7 × 7, 7 × 2 = 14। अब यहां पर देखिए आर को छोड़ देते हैं यहां पर, और ये 2 × 22 × 2 ये 88 के नीचे आ जाएगा, देखिए 2 × 22 × 2। अब इसको काटना चाहेंगे तो बड़ी इजी होता है, ध्यान से देखिए इजी कैसे होता है, 22 × 44 × 88 होता है, 88 × 88, तो इस तरह से हम इकट्ठा काट सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 88 आ जाएगा, और ये 88 × 88 कर दिए, आर का मान कितना मिला, 1 सेंटीमीटर मिला। आप लोगों को जान रहे हैं
कि व्यास को हम डी से दर्शाते हैं, व्यास जो होता है वह डी होता है, और डी बराबर दो गुणित आर होता है, यानी कि दो गुणित एक बराबर दो सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। व्यास हमको कितना मिल गया, दो सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चले जाइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स आयतन पर एक प्रश्न है, 358 पेज में है हमारे सीजी बोर्ड की किताब में, और इसमें दिया क्या है कि हमारे पास एक बेलन है। प्रश्न को डायरेक्ट पढ़ के उसका हल करते हुए बता रहा हूं, है ना। हमारे पास एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये देखिए सेंटर होता है ये, यहां से यहां तक त्रिज्या जो है आर बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और निकालना है इसमें हमको आयतन। क्या निकालना है, आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इस प्रश्न को ध्यान में रखिए और यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, सूत्र हम लोगों को बनाने आना चाहिए। मैं उस दिन बताया भी था कि अगर आयतन को लेते हैं तो इसका आधार का क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा कर लिया है। तो ये पाई आर वर्ग जो होता है ये आधार का क्षेत्रफल होता है और ये ऊंचाई हो गया। तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये होता है। और डायरेक्ट याद करना चाहेंगे तो पाई आर वर्ग एच होता है, आप लोग ऐसे ही याद करते हो। ठीक है, लेकिन आया कहां से है वो बता दिया, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, ये भी ध्यान में रखना है हम लोग को। ठीक है, अब यहां पर देखो बेलन का आयतन निकालना है तो ये हो गया पाई का मान। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि पाई का मान को हम पूरा 22/7 उसी समय लिखेंगे जब हमको त्रिज्या या ऊंचाई 7 के पहाड़ा वाला होना चाहिए, यानी कि 7, 14, 21, 42 इस तरह से होना चाहिए, तब जाकर के हम पाई का मान 22/7 लिखेंगे। और यहां पर देख रहे हैं एक तो 14 दिख गया हमको ऊंचाई में, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 22/7 पाई का मान लिख सकते हैं और लिखना चाहिए, परंतु पाई भी लिखेंगे और पाई में भी पूरा हल कर देंगे तो भी आपको किसी प्रकार से मार्क्स में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए 22/7 आर का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग बटे 1 लिखते हैं, और एच, एच माने होता है 14/1 यहां पर दिया हुआ है। अब इसको हल कर देंगे, बहुत ही सरल है, देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ऊपर में क्या बचा 22 × 3 = 9 × 2। अब यहां पे 9 × 2 = 18 हो गया, 18 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड में है इसलिए आपको कम से कम 25 तक का पहाड़ा अच्छे से आना चाहिए, याद नहीं है तो शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो 9 × 2 = 18 हो गया, 18 × 2 = 36 का 6 हासिल पाई 3, और 18 × 2 = 36 और 3 = 39, यानी कि 396। अब यहां पर देखिए आयतन है, इसकी इकाई क्या होगा ये ध्यान देने वाली बात है। यहां पर इसकी इकाई क्या होगा, देखो आर का वर्ग है, सेंटीमीटर का वर्ग हो गया, और एक तो एच भी है, और एक तो हो गया यानी कि घन सेंटीमीटर। कैसे आता है पता चला, ये बात भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहां से आता कैसे है, नहीं तो याद रखते रहोगे भूल जाओगे, याद किया हुआ चीज भूल जाता है लेकिन समझा हुआ चीज लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो 396 घन सेंटीमीटर इस बेलन का आयतन हमको प्राप्त हो गया। दो बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ऐसा दो तो हमारे पास है जिनकी आधार की त्रिज्या थोड़ा अलग अलग है, देखते रहिए आप लोग कैसे बनता है ये, यहां से यहां तक आर वन है, यहां से यहां तक आर टू है, दिख रहे हैं दोनों में अंतर। इसका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 3R ले लेते हैं और इसका 4R ले लेते हैं। जब भी 3:4 दिया हुआ है, इसके त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ये उदाहरण में दिया हुआ है, परंतु देखो यहाँ पे कितना हम सरलता से इसको बना सकते हैं बड़े आसानी से। क्या करेंगे, आयतनों का अनुपात बोला है, तो ये हमारा पहला बेलन है और ये दूसरा बेलन है, तो क्या करेंगे, प्रथम बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, दोनों की ऊंचाई सेम है, ये भी दिया गया है, दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है, यानी कि एच जो है दोनों के लिए एच ही रहेगा, परंतु आर जो है आर वन और आर टू है, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। अभी अभी आप लोगों को पता है पाई आर वन स्क्वायर एच, और ये पाई
आर टू स्क्वायर एच। तो देखो एक ही लाइन में आंसर मिलेगा आप लोगों को, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा आर वन का स्क्वायर बटे आर टू का स्क्वायर, यानी कि आर वन बटे आर टू पूरे का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों को। अब यहां पर देखिए आर वन का मान कितना है 3R और आर टू का मान कितना है 4R, तो यहां पे लिख दो 3R अपान 4R का वर्ग, ये RR को भी काट सकते हैं यहां पर, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है और 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि आयतनों का जो अनुपात होगा 9 अनुपात 16 होगा।